जियोजेब्रा पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोजेब्रा के अंतर्गत कैसे बटन्स का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रयोग एनिमेशन में किया जाता है, उसको यहाँ बनाना सीखेंगे। क्रिएटिंग बटन्स फॉर एनिमेशन। आज हम जियोजेब्रा क्लासिक में सीखेंगे कि बटन्स का निर्माण कैसे किया जाता है एनिमेशन के लिए। एनिमेशन का प्रयोग हम कोई भी फिगर को विजुलाइज करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर उस विजुलाइज को डायनेमिक बनाता है। तो एनिमेशंस का प्रयोग करके हमें डीप नॉलेज होती है किसी भी तथ्य को समझने के लिए। तो अब हम इसका बटन्स का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अब देख रहे कि हमारे विंडो में यहाँ पे ग्राफिक जो विंडो है इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले हटाएंगे। तो सो एक्सिस को हटाया हमने, अब हमें ग्रिड की भी ज़रूरत नहीं है, तो ग्रिड को भी हम नो ग्रिड कर देते हैं। अब हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट विद गिवन लेंथ को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने ये क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि कितने लेंथ की आपको सेगमेंट चाहिए। तो हम 3 यूनिट्स ले लेते हैं इसकी, 3 यूनिट्स हमने कर लिया। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई ए और बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लाइडर लेंगे। स्लाइडर्स को हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन खुल जाएगा स्लाइडर का, जिसमें नंबर, एंगल और इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो हम इंटीजर्स लेंगे n बराबर 1, और यहाँ पे इंटरवल, स्लाइडर और एनिमेशन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले स्लाइडर देख लेते हैं, ये इंटरवल, और मैक्सिमम हमारे 30 जो हम इसमें बनाना चाहते हैं, हम इसमें पॉलीगन्स बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें कम से कम यहाँ पर हम 15 पॉलीगन्स ले लेते हैं, मैक्सिमम 15, और इंक्रीमेंट एक एक करके हम उसको देंगे। स्लाइडर यहाँ पे हॉरिजेंटल हमने रखा, और एनिमेशन या ऑसिलेशन है जिसका मतलब है ये रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख लेंगे और ओके कर देंगे। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पे स्लाइडर बन गया, इसको हम यहाँ पे मूव करके यहाँ पे कर देते हैं। तो n बराबर 1। अब हम लेंगे पॉलीगन, बनाएंगे यहाँ से रेगुलर पॉलीगन लेंगे। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हाईलाइटेड हो गया ए, और फिर बी को क्लिक करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि वर्टिक्स क्या चाहिए। तो वर्टिक्स हमें कुछ नहीं चाहिए, हम एन लेंगे, क्योंकि एन हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया एन बराबर 1। तो 1 से स्टार्ट करेगा फिगर को बनाना है, 1 से स्टार्ट करेगा, तो हम इसको एन ले लेंगे। तो ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 3 के बाद ये देखो, सबसे पहले से ट्रायंगल ले लिया पॉलीगन में, सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ये आपका पेंटागन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको अपने कर्सर से मूव कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये अपने आप मूव हो और विजुलाइज अच्छे से हमें दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन्स का निर्माण करेंगे। तो हम स्लाइडर में जाके यहाँ पे बटन दिया हुआ है तो बटन्स को क्लिक करेंगे। जैसे आप बटन को क्लिक करेंगे और कहीं पे भी आप क्लिक करिए, फिर बटन के बारे में पूछेगा। तो पहला बटन हम स्टार्ट ले लेते हैं, START स्टार्ट ले लिया हमने, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट एनिमेशन, और ब्रैकेट में हम उसको लगा देंगे N, क्योंकि हमारा स्टार्ट N से हो रहा है, तो हम इसको N करेंगे और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हो गया स्टार्ट एनिमेशन, A को हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, स्टार्ट एनिमेशन N हो गया, हम इसको ओके कर देते हैं। तो आपने देखा कि हमारा ये बटन बन चुका है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये स्टार्ट होने लग गया, ये अपना आप स्टार्ट हो रहा है। इसको हम मूव करके स्क्रीन के इस साइड में यहाँ पे रख देंगे स्टार्ट। अब हम इसी प्रकार एक बटन और बनाते हैं, स्टॉप।
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे स्टॉप स्टॉप, यहाँ पे वही लिखेंगे हम स्टार्ट एनिमेशन और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम फॉल्स, फॉल्स लिखेंगे हम स्टार्ट एनिमेशन फॉल्स और ओके कर देंगे। तो ये हमारा स्टॉप करेंगे हम, तो ये स्टॉप हो गया आप देख रहे हैं और हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेगा और स्टॉप करेंगे तो ये रुक जाएगा। हम एक और इसमें बटन बनाएंगे रिस्टार्ट, क्योंकि हम कहीं पे भी ये रुक जाएगा, हम चाहते हैं स्टार्ट से फिर हो, तो रिसेट रिसेट करेंगे हम इसको, रिसेट बटन बनाएंगे। तो हम एक और बटन ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं रीसेट, रीसेट हमने ले लिया, इसको कर देते हैं स्टार्ट एंड यहां से बंद करके ब्रैकेट में आएंगे। तो रीसेट को हम यहां से दोबारा सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके हम स्क्रिप्ट को दोबारा यहां से चेंज करेंगे, एन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर वन, क्योंकि हम स्टार्ट इसको रीसेट स्टार्टिंग से करेंगे तो एन बराबर वन लेंगे, यहां से हमारा स्टार्टिंग आएगा तो हम इसको वन से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब हमारा रीसेट भी हो गया, अब इसको हम रीसेट को अगर ये मूव नहीं कर रहा तो इस पर राइट क्लिक करिए और लॉक प्रॉपर्टी को हटा दीजिए यहां से। अब ये मूव करेगा, ये मूव करके हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो आपने देखा कि हमने इसको मूव नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करके लॉक हटा के हम इसको पास ले आएंगे यहाँ पे, ये भी मूव नहीं कर रहा है तो लॉक हटा देंगे, रिस्टॉप और रीसेट यहाँ पे आ गया। तो हमने तीन बटन इसमें बना दिए हैं, अब इनका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले रीसेट करेंगे, जैसे रीसेट करेंगे आप देख रहे कि स्टार्ट में जा रहा है, ये वन से शुरू हो रहा है और स्टॉप करने पे ये वहीं पे रुक रहा है और फिर स्टार्ट करेंगे उससे आगे ये बढ़ रहा है। तो तीन हमने बटन बनाए। अब आप चाहते हैं कि इन बटनों को हम थोड़ा डिजाइन दे, आकर्षक लगे ये बटन हमारे, तो उस पर राइट क्लिक करिए और सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग दी हुई है, बेसिक टैक्स इसको बोल्ड कर सकते हैं, तो आप देख रहे डार्क दिख रहा है। कलर इसको हम रेड कलर से लिख लेते हैं, रेड कलर अगर हम इसमें लिखेंगे तो फॉन्ट हमारा रेड से दिख रहा है यहाँ पे, और इसका बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना हो तो बैकग्राउंड हम इसको हल्का सा येलो दे देते हैं, तो ये देखिए आप। और उसके बाद स्टाइल विड्थ 75 और हाइट 35 भी, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। पोजिशन भी हमें नहीं करना, एडवांस हमें कुछ नहीं करना, स्क्रिप्ट हम पहले लिख चुके हैं स्टार्ट एनिमेशन एन। तो आपने देखा कि हमारा पहला बटन कितना शानदार लग रहा है। अब हम दूसरे बटन को सेट करते हैं, इसको फिर हम रीनेम करेंगे, सॉरी रीनेम नहीं, इसको हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम फिर इसका कलर चेंज कर देंगे, इसको हम ले लेते हैं ग्रीन, ग्रीन ले लेते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड था बैकग्राउंड हम इसको हल्का सा ऑरेंज ले लेते हैं और फोरग्राउंड हम इसको ले लेते हैं ब्लू ले लेते हैं, और इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए ब्लू कलर में दिख रहा है। और रीसेट को हमें चेंज करना हो फिर इसका राइट क्लिक करके सेटिंग में जाइए और यहाँ पे फिर हम कलर ले लेते हैं, और इसको हम देख रहे हैं कि हमारा जो फोरग्राउंड है इसको हम ले लेते हैं वायलेट कलर और बैकग्राउंड हम इसका ले लेते हैं हल्का सा इस प्रकार का लाइट ब्लू लाइट ग्रीन ले लेते हैं। तो आपने देखा कि स्टार्ट स्टॉप और रीसेट हमने तीन बटन का निर्माण किया। तो और इस फिगर को हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, यहाँ से भी बंद करके प्ले कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार एक्टिविटी बनी है। इसके आधार पर हम बच्चों से कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि जो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे
वो एन वन से बनेगी, टू से बनेगी, थ्री से बनेगी। तो हम ये बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो सबसे पहली फिगर बनेगी वो एन थ्री से बनेगी। तो इसको स्टार्ट करेंगे जैसे, तो देखो थ्री से बनी, इसके बाद हम स्टॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ये कौन सी फिगर है। इसके बाद फिर हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम कई सारी फिगर इसमें बना रहे हैं, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि स्टॉप करके कि हमने एन 14 करा, तो लास्ट में जितने भी पॉलीगन अगर आप देख रहे हैं जो लगातार इनकी जो साइज बढ़ता जा रहा, तो बाद में ये सर्कल का रूप ले लेता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका एलजेब्रा जो व्यू है, एलजेब्रा व्यू, इससे भी आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो इस तरह रोटेट भी कर सकते हैं हम इसको चारों तरफ, और यहां से भी हम इसको स्टॉप और प्ले कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ये जो दो ब्लू कलर की डॉट्स हैं और बाकी डार्क कलर के जो डॉट्स हैं, तो ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं जिनको हम फिक्स पॉइंट बोलेंगे, इनको हम मूव नहीं करते कर सकते, जो ये हमारा डार्क है एकदम, और जो ये लाइट पॉइंट है ये अपने आप मूव होते रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक पॉइंट हमारा फिक्स है और बाकी हमारे मूव कर रहे हैं, तो उसी मूव के आधार पर वो पॉलीगन्स बनते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि एनिमेशन के माध्यम से किसी भी तथ्य को समझना कितना आसान हो जाता है, हमारी एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जियोजेब्रा एक डायनेमिक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कोई भी समस्या को आसानी से समझ सकते हैं।